अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम से 8:30 बजे, और मैं सुबह की उठी हुई थी। बस हस्बैंड जो थे वो जा रहे थे अपनी जॉब पे, तो बस उनको नाश्ता वगैरह बना के दिया। छोटी में भी इस वक्त नाश्ता करके ना दोबारा से लेट जाती हैं, और मुझे ना अभी सुबह सुबह जाना था मामा के घर। तो ये जो व्लॉग है ना, ये है जी 17th और 18th अप्रैल का, लेकिन क्योंकि मेरा गला नहीं ठीक था तो बस फिर मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई, और यही वजह कि मैं 2 दिन के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह जब भी ये मतलब वॉइस ओवर पूरा होता तो आपके साथ इंशाल्लाह ये शेयर करती हूँ। तो जी, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैं जा रही थी मामा के घर, और मैं क्यों जा रही थी। जैसे तो आपको पता चल गया होगा टाइटल देख के, तो एक तो ये कि 18th ऑफ अप्रैल जो है ना वो अहमद का बर्थडे भी होता है, तो मुझे उसके लिए ना बाज़ार भी जाना था कुछ ना कुछ लेने के लिए उनके लिए। और मैं फिर अगर अहमद के साथ ना जाऊँ बाज़ार तो फिर मैं मामा के साथ ही जाती हूँ, तो फिर इसीलिए मुझे अभी जाना था घर ताकि मैं मामा के साथ ना बाज़ार चली जाऊँ, और उस्मान जो है वो फिर घर पर रह लेगा। यहाँ पर मेरी बहनें वगैरह हैं तो वो उसको ना देख लेती हैं। तो अभी बस सुबह उठ गई थी और उस्मान तो पहले सोया हुआ था, तो बस सुबह के टाइम ही ना अभी मेरा भाई भी मुझे लेने के लिए आ गया हुआ था, और मैंने ये था कि पहले किचन वगैरह भी क्लियर कर दिया हुआ था अपने लिए, और उस्मान के लिए भी मैं नाश्ता बना चुकी थी, और मैंने नाश्ता कर लिया हुआ था, लेकिन उस्मान का नाश्ता रह गया था क्योंकि वो उठा नहीं था। तो जब मेरा भाई आया तो बस वो उसको देख के खुशी में उठाया, और उसको तो बहुत ही खुशी होती है ना जब हमें बाहर जाना हो कहीं पर भी, तो उसको नाश्ता भी भूल चुका था। तो बस फिर उसको मैंने चेंज वगैरह करवाया, बल्कि भाई ने ही उसको चेंज किया, और उसके बाद जो उसका नाश्ता था वो मैंने जो पराठा वगैरह उसके लिए बनाया था वो मैंने पैक कर लिया था कि वहीं जाकर नाश्ता करवा दूंगी। तो बस फिर मम्मा ने यहाँ पे ऑमलेट वगैरह बना लिया हुआ था, नाश्ता हम लोगों ने आते ही किया सबसे पहले, और अभी आप लोग देख रहे हो फौरन से नाश्ते के बाद, ये दोपहर का टाइम था, यहाँ पे खाने का टाइम हो रहा था, हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे थे। और हम लोग ना तकरीबन 12-1 के दरमियान में जो है ना वो बाज़ार चले गए थे, और दिन के टाइम ही गए थे ताकि जो है ना 1 घंटे का ही बस काम था, मैंने 1-2 शॉप्स पर ही जाना था और बस चीज़ें लेके हम लोगों ने डायरेक्ट वापस घर आ जाना था, तो इतना टाइम लगना नहीं था। तो मम्मा ने भी जो खाने की तैयारी थी वो सुबह ही कर ली हुई थी क्योंकि उनको पता था कि मैं आ रही हूँ, तो बस इसीलिए उन्होंने फिर क्योंकि मेरे साथ बाज़ार भी जाना था तो उन्होंने खाने की तैयारी गोभी चिकन बनाया हुआ था, साथ में ये चटनी वगैरह और सैलड वगैरह था। तो बस हम लोगों ने आके सबसे पहले बाज़ार से खाना खाया, और उसके बाद अभी हम सब यहाँ बैठ के खाने ही खा रहे थे, साथ में बातें चल रही थी। और उस्मान जो है अल्लाह का शुक्र है कि वो इतना बड़ा हो गया है कि अगर मैं उसको घर छोड़ के जाऊँ ना तो वो पीछे से तंग नहीं करता। तो पहले ऐसा तो होता था कि जब भी हमें बाज़ार जाना होता था ना तो मैं फिर उस्मान को साथ ही बिल्कुल के जाती थी, और मैं कभी मतलब जब वो बहुत छोटा था ना तो मैं कभी इधर आके मामा के साथ कभी बाज़ार नहीं थी गई क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही नहीं था कि उसको घर छोड़ने वाला क्या सीन है। लेकिन खैर, वो यहाँ पे वैसे भी जब मैं आती हूँ ना तो क्योंकि वो सब कज़न्स वगैरह हैं और बहन भाई हैं तो उनके साथ ना फिर वो बड़ा जो है ना वो बिज़ी हो जाता है और बड़ा खुश रहता है। तो क्योंकि उधर तो घर में उधर कोई भी ऐसा नहीं है कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके, तो फिर ये है कि वो पीछे से ना उसको फिर रोना ही होता तो हम साथ ले जाते हैं। लेकिन खैर, हम लोग शॉपिंग करके आ गए थे और बड़े आराम से टाइम गुजर गया था उसका, और उसके बाद मैं भी आपको दिखा रही थी ये शॉपिंग। खैर, मैं अपनी बहन को भी दिखा रही थी, और एक एक करके जो जो रूम में आ रहा था ना फिर मुझे बार बार खोलना पड़ा था, तो मैं सोचा मैं आपके साथ भी एक वीडियो शेयर कर देती हूँ कि मैं क्या लाई हूँ। तो ये वाला मैंने एक परफ्यूम लिया था। अहमद के पास ना वैसे परफ्यूम कलेक्शन इतनी ज़्यादा है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम कलेक्शन है, लेकिन फिर भी उनके लिए ना जितनी ज़्यादा होना वो उतनी कम है, तो उनको परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने सोचा था कि एक मैं परफ्यूम ले लूँगी, और साथ में ना उनके लिए एक शलवार कमीज़ का ना कपड़ा ले लूँगी अनसिला, क्योंकि वो अपने हिसाब से सिलवा हैं तो फिटिंग का प्रॉब्लम नहीं आता। और फिर मैं बाजार गई तो फिर जी मुझे ये 2 सूट अच्छे लग गए थे, इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आजकल मेरा 2 पीस लेने को दिल चाह रहा था क्योंकि मेरे पास ना काफ़ी दुपट्टे ऐसे हैं जो कि मतलब स्पेयर रखे हुए हैं और वो यूज़ ही नहीं होते काफ़ी टाइम से ना, तो वो काफ़ी मतलब उनके ऊपर लेसेज वगैरह भी लगी हुई हैं जैसे शिफॉन के होते हैं। तो साथ में मैं ये गिफ्ट रैप वगैरह भी लेके आई थी, और उस्मान का वो खेल बना हुआ था, उस्मान के लिए मैंने साथ में ये 2 ड्रेसेस ले लिए थे, एक ये पिंक में और एक साथ में ना ये पीछे ब्लू और उसके साथ ब्लैक शॉर्ट्स हैं, साथ में ये पिंक और इसके साथ ग्रे शॉर्ट्स थे, क्योंकि आगे मौसम जो है ना अभी थोड़ा सा वैसे अप्रैल जो है ना ये अच्छा ही गुजर है, अल्लाह का शुक्र है, बारिश हो रही है ना आगे पीछे तो मौसम अच्छा ही है, काफ़ी ठंडा है, लेकिन ये कि आगे चल के जो इतनी गर्मी हो जानी ना तो उसमें जीन्स वगैरह तो पहननी चाहिए, तो इसलिए मैंने शॉर्ट्स की शॉपिंग की थी ताकि ना वो आगे आराम से जो है ना कैरी कर लेगा। तो बस उसके बाद जी फिर हम लोग, मैंने वैसे जो है ना दोपहर में वापस आ जाना था, मैंने अपने भाई को बुला भी लिया था उसके उधर जॉब से और वो मुझे वापस छोड़ने के लिए आ भी गया था, लेकिन मेरा जो है ना बाजार जाने के बाद इतनी तबीयत खराब हो गई थी, सर में दर्द इतना ज्यादा हो गया हुआ था कि फिर मामा यही कहती कि तुम जाके पढ़ाना भी है तुमने तो तुम कैसे पढ़ाओगी और फिर थक जाओगी ये तो वो, उस्मान को भी देखना होता है। तो फिर खैर मेरी खुद भी हिम्मत नहीं हुई, इतना ज्यादा शदीद दर्द था ना कि मुझे फिर रुकना पड़ गया।
तो बस फिर ये है कि मैं फिर रात के टाइम जो है ना भाई के साथ घर आई थी। इस टाइम तकरीबन कोई 9 साढ़े 9 बजे, और उस टाइम जो है ना सब मतलब अहमद जो थे वो थोड़ा बिज़ी थे, क्योंकि नीचे जो है ना उसके उनके सब दोस्त वगैरह और भाई वगैरह सब आए हुए थे। तो ये है कि वहाँ पर वो बिज़ी थे थोड़ा सा। लेकिन फिर इस टाइम जब फिर मैंने अपनी चाय वगैरह बनाई, चाय पी, और क्योंकि चाय जो है ना वैसे मैंने आज के दिन जो है ना इतने अरसे बाद, बल्कि शायद मैंने लाइफ में पहली बार पी होगी, एक दिन में मैंने 5 कप चाय पी थी। मैंने सुबह नाश्ता जब अपने घर में किया तब भी चाय पी, मम्मा के घर जाके उस्मान को नाश्ता करवाया तब चाय पी, उसके बाद दिन में 2 दफ़ा पी ली, और घर आके भी 1 कप पी। मतलब वो सर का दर्द और मेरी वो पूरा जो नेक में पेन होता है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मुझे फिर चाय के कप इतने लेने पड़े थे, और बस मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी से सुकून मिल रहा है। तो खैर ऐसे बस टाइम गुजर गया, और फिर ये रात के 12 बजे अहमद चले गए थे बाहर, और ये मैं ना रास्ते में केक भी एक लेके आ गई थी। तो अहमद तो चले गए थे बाहर, और उनको बिल्कुल नहीं था पता कि मैं उनके लिए कुछ मतलब लेने के लिए, क्योंकि उनको ये था कि शायद मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो मैं मामा की तरफ जा रही हूँ थोड़े टाइम के लिए, लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं बाज़ार भी गई हूँ। तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनके लिए कोई गिफ्ट वगैरह भी आया है। तो अहमद ना बस 12 बजे चले गए थे बाहर, उनको कुछ मार्ट से ना थोड़ा सा घर का सामान लेके आना था, बस वो लेके आए। तो उसके बाद कोई 12:15 या 12:20 हम लोगों ने फिर केक कट किया था, और उस्मान ने भी लाके ना अहमद को इस तरह से अपने वो केक जो दिया है ना उनको बॉक्स, उसको पता नहीं कि अंदर है क्या, लेकिन उस्मान को ना जब भी कोई ऐसी कोई पैक चीज़ होती है और हम उसको ओपन करने वाले होते हैं ना तो उसको बड़ी एक्साइटमेंट होती है, वो बड़ा खुशी खुशी आके साथ बैठता है और ओपन करने के लिए रेडी होता है, बड़ा एक्साइटेड होता है। तो बस उसने ये जो उसको देते हुए एक मोमेंट था ना वो मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैंने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था। तो जो लोग मुझे देख रहे, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया वो मुझे लाजमी जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, मैं डिस्क्रिप्शन में ना मैंशन कर दूँगी। तो अभी बस यहाँ पर छोटी में भी वैसे अंदर लेटी हुई थी लेकिन उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर वो फिर बाहर नहीं आई, और हम लोग उनको बुला रहे थे पर वो आई नहीं। तो फिर ये है कि अहमद ने कहा चलो ऐसी कट कर लेते हैं। अभी बस फिर केक कट किया, और इसके बाद अहमद को आइडिया नहीं था कि मैं कोई गिफ्ट वगैरह लेके आई हुई हूँ, वो समझ रहे थे बस ये मैं रास्ते में ना आते हुए बस एक केक ले आई हूँ। और इस टाइम ना उस्मान की हालत आपको बता रही होगी कि वो फुल नाइट सूट में था, 12 बज गए थे, तो मुझे ये था कि मैं उसके कपड़े वगैरह चेंज कर दूँ और उसको सोना होगा ना तो वो सो जाएगा, अगर नहीं सोएगा तो जागता रहेगा हमारे साथ। लेकिन ये कि शायद वो ना दिन में मामा के घर सो गया था ना तो इसलिए थोड़ा सा लेट ही सोया था आज भी। और लेकिन खैर मैंने उसके ना कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हुए थे इसीलिए आपको ना वो इन कपड़ों में नज़र आ रहा है, ये रात के उसके कपड़े हैं। तो बस उसके बाद फिर हम लोगों ने केक ज़्यादा भी नहीं खाया क्योंकि मेरा भी गला नहीं ठीक था और आवाज़ भी ख़राब हो रही थी, तो मैं फिर इस तरह की चीज़ें आजकल अवॉइड कर रही थी। और उसके बाद बस हम लोगों ने मैंने उस अहमद को गिफ्ट दिया था, और मुझे ना पता इस बात का अंदाज़ा था कि अहमद को ना वैसे भी ना जो इस तरह के गिफ्ट्स वगैरह होते हैं ना उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको जब कोई गिफ्ट्स वगैरह देता है या उनको कोई इस तरह से ढेर सारे विशेज़ आते हैं ना, तो मुझे इस बात का आइडिया था। और ये जो केक थे तो बस मैंने रास्ते में आते हुए बस ले लिया था क्योंकि मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था केक लेने का, तो मेन चीज़ मेरा मकसद जो है ना वैसे वो मामा के घर जाने का गिफ्ट ही था। और मेरी तबीयत वैसे ना कुछ दिन एक दिन पहले से एक रात पहले से ख़राब भी थी, सर का दर्द मेरा था तब भी, लेकिन मुझे यह था कि शायद सुबह मैं मामा के घर जाऊंगी और पैनाडोल वगैरह ले लूंगी ठीक हो जाएगा, लेकिन जी जाके बेहतर हो भी गया था। लेकिन जब वो मैं बाज़ार गई हूँ ना उधर से बस 1 घंटा होके आई हूँ, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा हो गया था, और उसके बाद मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि फिर मतलब इतना ज़्यादा टाइम जो है ना वो लग जाएगा। तो खैर कोई बात नहीं, गिफ्ट वगैरह आ गया था तो बस ये है कि जो मेरा काम था वो तो पूरा हो गया था। तो बस फिर उसके बाद अहमद को ये ड्रेस भी बहुत अच्छा लगा था, मैं वैसे ढूंढ रही थी अहमद के लिए ग्रे कलर का कोई लाइट कलर का, लेकिन खैर मुझे वो नहीं मिला, मुझे ब्राउन मिल गया। और बाद में अच्छा ही हुआ क्योंकि नेक्स्ट डे ना मोहसिन भाई ने भी उनको गिफ्ट किया था, वो भी ग्रे कलर का ही शलवार कमीज़ था, तो मैंने सोचा चलो बेहतर हो गया कि मैं ग्रे नहीं रही वरना सेम हो जाता, और साथ में परफ्यूम था वो तो उनको वैसे ही बहुत पसंद है। अच्छा ये है जी अभी 18th of April का डे, पूरे दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, और उसके बाद क्योंकि रात में प्लान था कि अहमद कह रहे थे कि हम बाहर जाएंगे कुछ खाना वगैरह खाने के लिए, तो बस अभी फिर मैं जल्दी से रेडी हुई, और क्योंकि पहले मैंने पढ़ाना था बच्चों को, और उसके बाद जब मैं फ्री हुई हूँ तो जो भी छोटी मी वगैरह को मतलब खाना वगैरह बना के दिया, और उसके बाद खुद रेडी हुई और बाहर आ गए थे हम लोग। अच्छा हम लोग जो बाहर आए थे ना ये घर के पास ही था, तो ये एक नया ही रेस्टोरेंट ओपन हुआ है घर के करीब ही है, ये बैतुल ब्रोस्ट के नाम से, और इनके पास ना ज़्यादा ब्रोस्ट ही मिलता है और साथ में फ़िश की इनके पास वैरायटी होती है, फ़िश मतलब फ़िश की वैरायटी नहीं होती लेकिन ना फ़िश की फ़िश से ना बनी हुई डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं इनके पास, और ज़्यादातर ना इनके पास ये फ़ास्ट फूड आइटम्स ही हैं, लेकिन जो भी हैं ना वो बड़े अच्छे और मज़े के हैं, और कुछ ज़्यादा ना मतलब स्पाइसी भी नहीं था, हैवी भी नहीं हुआ, और जो हमने वैसे ऑर्डर किया था इनसे ब्रोस्ट पीसेस तो वो भी बड़े हमारे लिए ना मतलब मुनासिब से थे क्वान्टिटी में और लाइट से थे। अभी ना यहाँ पे साइड पे उन्होंने प्ले एरिया सा भी बनाया हुआ था, ये ऊपर वाला पोर्शन था फैमिली के लिए और नीचे जो था वो सारा जेंट्स के लिए एरिया था, तो ऊपर उन्होंने साइड पे ना एक छोटा सा प्ले एरिया सा बनाया हुआ था बच्चों के लिए, और उस्मान वहाँ जाके ना इतना खुश हुआ था
उस्मान ना आजकल एक वीडियो भी देखते हैं, उस पर भी कुछ ना ब्लिपी की कुछ वीडियोस आती हैं, वो भी कुछ इस तरह का प्ले एरिया से ना इंट्रोड्यूस करवाता है बच्चों को। तो उस्मान को वो देख के ना यही वाला सीन, ये सारा कुछ मतलब ना वो वाला वीडियो याद आ रहा था और वो बड़ा एक्साइटेड हो रहा था। मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं कि उन चीज़ों के ऊपर ऊपर चढ़ के उसको ध्यान रखना पड़ रहा था, लेकिन जो भी उसके पास इर्द गिर्द बॉल्स थे ना इतने ज़्यादा, वो उन्हीं से बड़ा ज़्यादा ना खुश हो गया था और अच्छा खासा अच्छा टाइम गुजर गया था। और वरना ये होता है कि हम जब भी ऐसी किसी जगह पर जाते हैं ना, तो उस्मान मतलब बस इधर से उधर जा रहा होता है और हमें यही होता है कि कहीं दूर ना चला जाए, क्योंकि इसको होश नहीं होती कि हम किधर हैं, बस दूर दूर जा रहा होता है और इसको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है वापस। लेकिन ये कि साथ ही प्ले एरिया था ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा आराम से ये खेलता रहा था काफ़ी देर तक। और हम लोग ने बस यहाँ पर ब्रोस्ट ऑर्डर किया था और साथ में इसमें फ़्राइज़ थे, साथ में ये सॉसेज थी इनकी, और उस्मान को फ़्राइज़ वैसे ही बहुत पसंद है, उसने आराम से वो खा ली थी। बाहर जो है ना बड़ी तेज़ बारिश भी शुरू हो गई हुई थी, क्योंकि आज सारा दिन ना थोड़े थोड़े टाइम के बाद ना बारिश हो रही थी। जब हम निकले थे तब नहीं थी, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर ना बैठे हुए थे इसी रेस्टोरेंट में, तो बाहर ना बारिश शुरू हो गई हुई थी। लेकिन खैर वो इतने थोड़े से टाइम के लिए थी कि हम लोग आराम से फिर थोड़ी देर बाद ना घर वापस आ गए थे। घर आके बस हम लोग यहाँ पे मोहसिन भाई के लिए लेके आए थे पैक करवा के, और साथ में ये कुल्फा आइसक्रीम लेके आए थे। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर इसको लाइक करना, कॉमेंट करना और मुझे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।